ऐसे जब अधिनियम बनते हैं जो कानून उससे जुड़े हुए हैं वो 3 महीने या 6 महीने के अंदर बन जाते हैं, पर 9 बार सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्सटेंशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से, 9 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार, और 4 साल और 3 महीने के बाद ठीक चुनाव के वक्त उन्होंने ये रूल्स की घोषणा की। ये तो बड़ा धक्का है ना मोदी सरकार को, बहुत बड़ा धक्का है। इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, गैर संविधान के खिलाफ है। तो इस हेडलाइन से बचने के लिए, इस हेडलाइन को दबाने के लिए इन्होंने CAA की रूल्स की घोषणा। हम लोग सब राम के भ्रम भक्त, राम पुजारी है, राम व्यापारी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए। जब धर्म का इस्तेमाल होता है या दुरुपयोग होता है राजनीति में, वो धर्म को भी घटाता है और राजनीति को भी घटाता है। देखिए 4 साल और 3 महीने लगे हैं, ये जो बिल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, अधिनियम बना, ये दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ। ऐसे जब अधिनियम बनते हैं जो कानून उससे जुड़े हुए हैं वो 3 महीने या 6 महीने के अंदर बन जाते हैं, पर 9 बार सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्सटेंशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से, 9 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार, और 4 साल और 3 महीने के बाद ठीक चुनाव के वक्त उन्होंने ये रूल्स की घोषणा की है। मकसद क्या है, मकसद पहला मकसद है ध्रुवीकरण। इनकी रणनीति, चुनावी रणनीति ध्रुवीकरण की होती है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की गई है। दूसरी बात, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। पिछले दिन आप देख रहे हैं, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, अभी SBI को उन्होंने कहा, आज उनको समय सीमा दी है कि आज ही सब जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड को आपको आपके वेबसाइट पर डालना चाहिए। ये तो बड़ा धक्का है ना मोदी सरकार को, बहुत बड़ा धक्का है। इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, गैर संविधान के खिलाफ है। तो इस हेडलाइन से बचने के लिए, इस हेडलाइन को दबाने के लिए इन्होंने CAA की रूल्स की घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ इसका एक ही मकसद है, राजनीतिक मकसद, चुनावी मकसद, ध्रुवीकरण का मकसद। मेरा सवाल यही है, अधिनियम बना, डिबेट हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई, मतभेद है, हमारे विचार अलग है, हमने कई सवाल उठाए, आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कर रहे, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए, ये रूल पहले क्यों नहीं आया, 2020 में क्यों नहीं आया, 2021 में क्यों नहीं आया, 22 में क्यों नहीं आया, 23 में क्यों नहीं आया, जब अब चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने बाकी है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में रणनीति, जो चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, उसको पोलराइज करने के लिए, उसमें ध्रुवीकरण करने के लिए ये किया गया। सर अगर जैसे इन्होंने जो CAA बिल लागू किया पश्चिम बंगाल केरल जैसे जो प्रदेश हैं, तो इनको वहां से क्या फायदा हो सकता है कांग्रेस को? नहीं नहीं, देखिए इनको इनका मकसद एक ही होता है, चुनाव के वक्त में सिर्फ ध्रुवीकरण, पोलराइज करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना। देखिए हम राम पुजारी हैं, वो राम व्यापारी है, और खास तौर से मेरे नाम में 2 राम है, मेरे पहले राम में राम है, दूसरे नाम में भी राम है। तो मैं हम लोग सब राम के भ्रम भक्त हैं, राम पुजारी हैं, राम व्यापारी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए। जब धर्म का इस्तेमाल होता है या दुरुपयोग होता है राजनीति में, वो धर्म को भी घटाता है और राजनीति को भी घटाता है। तो उनकी रणनीति यही है, एक ही है, प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए, अमित शाह की भाषण सुनिए, यही ध्रुवीकरण की भाषा होती है, क्योंकि इनकी रणनीति इसके अलावा कुछ नहीं जानते। केसी वेणुगोपाल जी का कहना है कि ध्यान रखने के लिए सब किया जा रहा है। सॉरी, केसी वेणुगोपाल जी का क्या कहना है कि ये जो CAA बिल है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश। बिल्कुल, असली मुद्दे क्या है, असली मुद्दे बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं हैं, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, युवाओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, महिलाओं के अत्याचार जो हो रहा है, जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सब ध्यान हटाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं।
सर सरकार कह रही है कि इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, जो हो रहा है हम देश को ध्यान में रखकर। तो पहले क्यों नहीं किया, मेरा सवाल यही है ना। आप कानून तो पास किया 2019 में, बहस हुई, हमने अपना विचार रखा, लोकतंत्र है, सरकार को बहुमत है, हमारा काम है लोगों का, लोगों में जो परेशानी है, जो लोगों की जो आशंकाएं हैं, जो भय है, वो पार्लियामेंट में हम उसको आवाज देते हैं। पार्लियामेंट विधेयक तो पास हुआ, कानून बना, क्यों आपने 4 साल 3 महीने उस पर आप बैठे रहे? और ठीक 1 महीने पहले, चुनाव के पहले आप उसको लागू करते हैं, इसका